फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज. तो इसमें फर्स्ट टर्म हमसे पूछा क्या, टी एट फ्रॉम एंड. ये फ्रॉम एंड लिखना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे ना तो ये दिक्कत रहेगी. अब इसमें ए की जरूरत होती नहीं है क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन डी. तो एल क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 184. डी फाइंड करना पड़ेगा. डी क्या आएगा, 10 माइनस 7 इज 3. अब टी एट, टी एन फ्रॉम एंड का फॉर्मूला लिखते हैं. टी एन फ्रॉम एंड क्या लिखा जाएगा, एल माइनस एन माइनस वन डी लिखा जाएगा. अब टी एट फ्रॉम एंड, टी एट फ्रॉम एंड क्या लिखा जाएगा, एल माइनस एट माइनस वन डी. एल कितना है भाई हमारे पास, 184. रख दो 184 माइनस एट माइनस वन इज 7 और डी कितना है 3. 7 इंटू 3 कितना होगा 10 है ना, 21. चार में से एक गए 3, आठ में से दो गए 6. तो टी एट फ्रॉम एंड कितना आ गया, 163 आ गया. इसे हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, पता है क्या कर सकते हैं, ठीक. हम ना एपी को पलट के, एपी को ऐसे लिख लेते हैं, 184 डैश 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 13 10 7. ये लिखी थी एपी हमारे पास, 10 7 13 80 184. इसे उल्टा कर लो, 184 को पहले ले आओ, डैश 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 13 10 7. अब इसमें अलग तरीके से डी निकालेंगे. इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो गया 184. डी कितना हो जाएगा भाई, 7 माइनस भाई ये माइनस ये तो होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मान लो, 7 माइनस 10. यानी कि देखो ए बी, तो डी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए लिखा जाता ना, तो यहाँ पर क्या होगा, बी माइनस ए. तो कितना आ गया डी हमारे पास, माइनस 3. और हमसे इस सीरीज में तो एट्थ टर्म ही हो जाएगा, तो टी एट कितना जाएगा, ए प्लस 7 डी हो जाएगा. और ए कितना हमारे पास, ए प्लस 7 डी कैपिटल ए. ए कितना है, 184 प्लस 7, डी कितना है, माइनस 3. तो 184 में से 21 माइनस कर दो, कितना देगा, 163 आ गया. जो आंसर है हमारे पास कितना देगा, वो 163. बस ध्यान रखना, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तब करना ये काम, अदरवाइज जो फॉर्मूला बताया ना उसी फॉर्मूले से करना.